प्यारे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। बेहद इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि आकृति 6.37, ये हमारे पास आकृति 6.37 है, में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम, देखो ये निशान किसका है, सर्वांग सम का, ये हमारे पास निशान है सर्वांग सम का, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के। तो यहां पे सर्वांग समता दे रखी है और समरूपता हमें दिखानी है। यहां पे अगर इसका हम देखें तो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है क्या कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके संगत भाग बराबर हो गए, संगत भाग बराबर हो गए मीन्स इनके जो संगत कोण है वो भी बराबर होंगे और संगत भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगे क्योंकि सर्वांग सम है। समरूपता में क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। अब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि जो त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई छोटी त्रिभुज और त्रिभुज एबीसी, एबीसी ये बड़ी त्रिभुज, इनको समरूप दिखाना है। अब देखो एक तो बात यह है कि कोण ए तो दोनों में आ ही गया, तो कोण ए तो है ही है हमारे पास, कॉमन हो गया दोनों में। अब छोटे वाले की भुजा एडी और बड़े की एबी, यानी कि एडी बटे में एबी, क्योंकि कोण एक कोण बराबर है तो उस कोण को बनाने वाली भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। एक तो एडी और ए ही है और बड़े वाली में एबी और एसी है, यानी कि एडी के बटे में एबी और एई के बटे में एसी। अगर हम यहाँ पे और पहुंच जाएं एई के बटे में एसी तो हम रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए। अब आप देखो दिया गया है हमारे पास, दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज है सर्वांग सम है। प्यारे बच्चों अब देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है यानी कि इनके संगत भाग बराबर हो गए, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर होगा एसी के, भुजा ए बी एसी के बराबर होगी और भुजा बीई बीई सी डी के बराबर होगी और भुजा एई एई किसके बराबर होगी, एई ए डी के बराबर होगी, ए डी। इसको समीकरण एक, समीकरण दो और समीकरण तीन मानते हैं। अब यहां पे आ जाओ, हमें इनको क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज, ए बी सी में कोण ए बराबर है, कोण ए कैसा हो गया, उभयनिष्ठ कोण, एक बात होगी। अब इस कोण को बुझाने वाली बनाने वाली भुजा एडी है और इसके लिए एबी है, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए। अब आप यहां पे आ जाओ, समीकरण समीकरण तीन से हमारे पास क्या है, एडी बराबर है एई, लिख सकते हैं एई एडी के बराबर है तो एडी भी एई के बराबर होगा। इसी तरह से समीकरण एक से, समीकरण एक से हमारे पास ए बी किसके बराबर है, एसी के बराबर है, एसी के, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसके बटे में ये कर देते हैं, यानी कि ए डी बटे में ए बी बराबर है एई बटे में ईसी, सॉरी एसी। देखो हो गया हमारा काम, यही तो दिखाना था, आ गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, एक तो हमारे पास आ गया कोण ए कोण ए के बराबर आ गया और ए डी बटे में ए बी बराबर है ए ई बटे में ए सी, दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं है, कोण बराबर हो गया और इस कोण को बनाने वाली भुजाएं समान अनुपात में होगी, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, भुजा कोण भुजा सर्व समरूपता, समरूपता कसौटी के अनुसार हम क्या कह सकते हैं,
कि त्रिभुज है जो कौन सी ए बी ई समरूप होगी किसके, त्रिभुज ए बी सी के। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जो सर्वांग समता की कसौटी है उसको यूज कर लिया, संगत भुजाएं बराबर है तो उन बराबर भुजाओं से एक हमें उभयनिष्ठ कोण मिल गया था। तो यहाँ पे हम कहाँ पे पहुंच गए कि भुजा कोण भुजा एस ए एस सर्वांग समता नियम पे पहुंच गए और हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।